अभी अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट पेश किया, मैं ऐसा कहूंगा यह अमृत मैं यह कहूंगा कि अभी अभी पेश किया हुआ बजट ये अमृत काल का सर्वजन हिताय इस प्रकार का बजट है। इस बजट में जो लोग विकास में पिछड़े हैं, हमारे युवा हैं, हमारे किसान हैं, हमारे छोटे उद्योग हैं, हमारे मिडिल क्लास है, ऐसे सभी को मद्देनजर रखते हुए इस बजट की रचना की गई है और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 10 लाख करोड़ का निवेश ये अनप्रेसिडेंटेड है, अप्रत्याशित है। और इसके साथ साथ रेलवे में करीब 2,30,000 करोड़ का निवेश, अगर इसकी तुलना 2013-14 से की जाए तो 9 गुना ज्यादा निवेश रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार कर रही है। इसके कारण हमारे विकास की गति बढ़ने में एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसके साथ साथ विशेष रूप से राज्यों को करीब 1,30,000 करोड़ रुपया 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में दिया जाना राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। विशेष रूप से खेती किसानी के मामले में खेती किसानी को मात्र सब्सिडी तक सीमित न रखते हुए उसमें बड़े पैमाने पर डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, उसमें टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन करना और उसको मार्केट के साथ जोड़ना, ये जो चीजें इसमें की गई है। ऋण को 20 लाख करोड़ तक बढ़ाया गया है। विशेष रूप से स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण ये इसमें किया गया है और भारत को मिलेट्स का ग्लोबल हब, मिलेट्स को श्री अन्न कहा गया है, श्री अन्न का ग्लोबल हब इस रूप में डेवलप किया जा रहा है। गरीबों के लिए ये भी बहुत खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री अन्न सुरक्षा योजना जिसमें 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जाता है, इसको भी एक साल के लिए एक्सटेंशन दिया गया है जो बहुत ही स्वागत योग्य है। इसके साथ साथ सहकारिता के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। पैक्स का सक्षमीकरण करते हुए उनको मल्टीपर्पज सोसाइटी में कन्वर्ट किया जा रहा है, उनका डिजिटाइजेशन किया जा रहा है। विशेष रूप से मैं महाराष्ट्र की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी और विशेष रूप से सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ये जो निर्णय लिया गया है, इससे पहले शुगर इंडस्ट्री को इनकम टैक्स लगता था, 2016 से इनकम टैक्स मोदी सरकार ने समाप्त किया, लेकिन 2016 से पहले का 10,000 करोड़ का बकाया इनकम टैक्स विभाग ने निकाला था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि 2016 से पहले जो भी एफआरपी पर यानी गन्ने के खरीद का भुगतान जो किया गया उसको एक्सपेंडिचर में गिना जाएगा। इसके कारण ये सारे के सारे लोग इनकम टैक्स से मुक्त हुए हैं और पिछले 20 साल से लगातार महाराष्ट्र केंद्र सरकार के पीछे था कि इनकम टैक्स से इस उद्योग को मुक्त कीजिए, उसको मुक्त किया गया है। इसका गन्ना किसानी करने वाले किसानों को बहुत बड़ा फायदा होगा और साथ साथ उनको ज्यादा रेट मिलने में भी इसका एक बहुत बड़ा फायदा होगा। साथ साथ
जो आदिवासियों में प्रिमिटिव ट्राइब्स है उसके लिए जो योजनाएं तैयार की गई है, या फिर युवाओं के लिए स्किलिंग के तहत इंडस्ट्री 4.0 में जो योजनाएं तैयार की गई है, ये सारी योजनाएं विशेष रूप से रोजगार निर्मिति करने वाली, युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देने वाली, इस प्रकार की योजनाएं हमको दिखाई पड़ती है। एनर्जी ट्रांजिशन के एक सेक्टर में विशेषतः ग्रीन एनर्जी की तरफ जिस तेजी से भारत बढ़ रहा है, मुझे लगता है दुनिया में इतना फास्ट ट्रांजिशन किसी और देश ने आज तक अपने विचारों में नहीं लाया और उसमें भी बहुत बड़ा निवेश किया है, और उसी का एक भाग इस रूप में जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग पर लाना, ये भी मैं ऐसा मानता हूं एक बहुत बड़ी पहल ये सरकार की ओर से की जाने वाली है। इसके साथ साथ विशेष रूप से मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ी घोषणा इनकम टैक्स के स्लैब में जो चेंज किया गया है, और अब 5 लाख की जगह 7 लाख तक की इनकम को कोई टैक्स नहीं लगेगा, ये घोषणा निश्चित ही हमारे मध्यम वर्ग को सुख देने वाली है। 9 लाख इनकम वाले को केवल 45,000 रुपया टैक्स लगेगा और 15 लाख इनकम वाले को मात्र 1.5 लाख इनकम टैक्स लगेगा। इस प्रकार से लोगों के हाथ में पैसा रहे और लोग उसको स्पेंड करें तो डिमांड बढ़ेगी, ये सूत्र को हाथ में रखते हुए या सामने रखते हुए जो निर्णय लिया गया है, इसका निश्चित ही हमारे सामान्य जन को और मध्यम वर्ग को बहुत ज्यादा फायदा होगा। मैं ऐसा कहूंगा कुल मिलाकर ये जो बजट है ये सर्वजन हिताय इस प्रकार का बजट है, और इस बजट का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आगामी चुनाव को देखते हुए ये प्रो चुनाव बजट बनाया गया। एक दूसरा उन्होंने कहा कि प्रो कॉर्पोरेट बजट भी है। देखिए कांग्रेस ने अपनी रिएक्शन सुबह ही तय की थी, कोई भी बजट आता तब भी वो यही रिएक्शन देते हैं, इसलिए उनके रिएक्शन पे मैं क्या रिएक्शन दूं। सर देश परत एकदा की राजकीय निवडणुका सगळ्या गोष्टी डोक्यात ठेवून फक्त बजट केलं गेलंय असा आरोप सगळ्याच गटात होते, म्हणजे राज्यात देखील आणि विरोधकांनी सकाळीच हे ठरवलं होतं की कसंही बजेट आलं तरी काय रिएक्शन द्यायची, हे सकाळीच लिहून ठेवलं होतं, तीच स्क्रिप्ट ते वाचतायत। त्यांनी बजेट बघितलंही नाही, त्याचा अभ्यासही केला नाही, बजेटच्या मेरिटवर देखील ते बोलत नाहीत कारण मेरिट त्यांना पाहिजेच नाहीयेत। त्यांनी सकाळी जी रिएक्शन ठरवली तीच रिएक्शन त्यांना इको करायची आहे, म्हणून त्यांच्या रिएक्शनवर मी रिएक्शन द्यावी एवढा त्या रिएक्शनमध्ये दमच नाहीये। वाढलेलं आहे पण मागच्या 2 वर्षात सगळ्यात जास्त रोजगार अनेक अनऑर्गनाइज सेक्टरमधून गेलेले होते, त्याची आकडेवारी मात्र अजून पुढे आलेली नाही। आणि यात सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे की जो लास्ट इयर जो प्रॉमिस केलेला एम्प्लॉयमेंटचा जनरेशन एक्सपेक्टेड रेट होता तो गाठण्यात सरकारला अपयश आलं असं वाटत नाही का? पहिली गोष्ट तर ईपीएफओ मध्ये 27 कोटीचं रजिस्ट्रेशनचा अर्थच असा आहे की इन्फॉर्मल सेक्टरमधनं फॉर्मल सेक्टरमध्ये एम्प्लॉयमेंट वाढती आहे। आपण बघा 2013-14 आपल्या ईपीएफओ मध्ये फार तर 3 ते 4 कोटी रजिस्ट्रेशन होते, तिथपासून 27 कोटीवर आलोय। दुसरं असं आहे की आता जे एम्प्लॉयमेंटचे आकडे देखील जाहीर झाले आहेत ते बघितल्यानंतर कोविडच्या काळानंतर जगाच्या सगळ्या देशांच्या तुलनेमध्ये सर्वात फास्ट फॉर्मल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करणारा देश आपला भारत आहे, त्यामुळे मला असं बिलकुल वाटत नाही। उलट आता तर जे बजेट दिलाय या बजेटमुळे मोठ्या प्रमाणात एम्प्लॉयमेंट वाढणार आहे। महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त कौशल्य विकास केंद्र मिळावे यासाठी काही वेगळे प्रयत्न केले जाणार का? जसं दुसरा प्रश्न, सिकल आजारावरती उपचार आहेत मात्र खूप महाग उपचार आहेत, तर ते उपचार कमी करण्यासाठी म्हणजे मुंबई पालिका असेल किंवा इतर महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये काही तसं
सिकल सेल एनिमिया हा विशेषता अनुसूचित जनजातीच्या लोकांमध्ये आणि काही प्रमाणात अनुसूचित जातीच्या लोकांमध्ये हा विशेषता दिसतो आणि हे खरंच आहे की याची ट्रीटमेंट सगळीकडे अवेलेबल नाही, ती खर्चिक आहे आणि म्हणूनच आता त्याच्या संपूर्ण उच्चाटनाचं मिशन हे केंद्र सरकारने या बजेटमध्ये घोषित केलंय आणि मला असं वाटतं की यामुळे आणि त्याच्याकरता मोठ्या प्रमाणात राशी देण्यात आली आहे, त्यामुळे निश्चितपणे एक मोठा परिणाम त्याचा हा आपल्याला दिसून येईल आणि अत्यंत स्वागतार्ह आहे आणि त्यासोबत एम्प्लॉयमेंट वाढवण्यावर खूप मोठ्या प्रमाणात जोर देण्यात आलेला आहे, हे देखील महत्वाचं आहे. आता यापैकी किती केंद्र महाराष्ट्राला मिळतील हे आपल्याला पुढे कळेल. विशेषतः म्हणजे काही विरोधक हे सकाळपासून लिहूनच आले असतील महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही महाराष्ट्राला काही मिळालं नाही, त्यांना एवढंच सांगू इच्छितो की बजेटची फाईन प्रिंट जी आहे त्याच्यामध्ये महाराष्ट्राला काय मिळालं हे कळतं. अलीकडच्या काळामध्ये बजेटमध्ये स्टेट वाईज घोषणा करणं बंद झालेलं आहे, बजेटच्या फाईन प्रिंटमध्ये ते असतं, त्यामुळे न वाचता कृपया ही रिएक्शन देऊ नका हे आधीच विरोधकांना सांगून देतो. देखिए बीजेपी का वोटर हर क्लास में है, चाहे वो गरीब हो चाहे निम्न मध्यम वर्गीय हो चाहे मध्यम वर्गीय हो, सारे लोग बीजेपी को वोट करते हैं. इसलिए मैंने वापस कहा कि हाँ जरूर मध्यम वर्गीयों को एक बहुत बड़ी राहत इनकम टैक्स की स्लैब से दी गई है, लेकिन कुल मिलाकर आप बजट देखेंगे तो ये बजट सर्वजन हिताय है, समाज के सभी वर्गों को इस बजट ने राहत दी है. मैं ऐसा मानता हूं कि जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर हम कर रहे हैं 10 लाख करोड़ ये कभी भारत कर सकता है ऐसा हमने सोचा नहीं था, और 3.2% ऑफ द जीडीपी हमने पिछले साल खर्चा किया है, जो मैं ऐसा मानता हूं किसी भी विकसनशील अर्थव्यवस्था के लिए 3% के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग करना ये अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड है, और मुझे लगता है अब उससे भी आगे हम लोग बढ़ रहे हैं और कुल मिलाकर हम राज्यों को भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग के लिए केंद्र से पैसा देते हैं उसका विचार करें तो 4% से ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग बढ़ रहा है. मैं ऐसा मानता हूं कि देश के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है. सर, किसान योजना के तहत जो 11 लाख की आंकड़े जो है वो केंद्र सरकार ने बताए थे वो झूठे हैं, ऐसा आरोप जो है वो शिवसेना के एमपी कर रहे हैं. उनका मानना है कि 3 लाख लोगों को 3 लाख किसानों को ही सिर्फ ये योजना का फायदा हुआ है. देखिए ये जो महाभाग आप जिनकी बात कर रहे हैं शिवसेना के एमपी, उनको ना आंकड़े मालूम है, उनको आंकड़ा एक ही समझता है, वो कौन सा आंकड़ा है आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, उनको वही आंकड़ा समझता है. मूल रूप से किसानों को जो पैसा हम देते हैं वो डीबीटी से देते हैं, तो डीबीटी में आंकड़ों की हेरफेर ही नहीं हो सकती. और 11 करोड़ किसानों को ये मिलता है, अकेले महाराष्ट्र में 1 करोड़ किसानों को मिलता है, जब उनकी सरकार थी तब भी 1 करोड़ किसानों को सीधे उनके खातों में ये पैसा मिला, इसकी पुष्टि उनकी सरकार ने की है. इसलिए ऐसे आंकड़ेबाज लोगों की बात मुझसे मत पूछिए. सर, उनका ये भी कहना है कि जो बजट दिया गया है वो मिडिल क्लास का, अगर सोचे तो वोट के हिसाब से बीजेपी ने इसका जवाब तो दे दिया मैंने. गोवर्धन को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट किया गया कि मैंने आने वाले ऑर्गेनिक खेती होगी, किसानों कितना फायदा पहुंचने वाला है क्योंकि एक बड़ा तबका किसान है. देखिए मैं ऐसा मानता हूं कि आज खेती किसानी के सामने सबसे बड़ा प्रश्न अगर कोई होगा तो वो प्रश्न है आज जलवायु परिवर्तन का जो इफेक्ट खेती पर हो रहा है. बहुत बड़े पैमाने पर रोग आते हैं, फसल खराब हो जाती है, इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि इतने महंगे महंगे स्प्रेस फर्टिलाइजर्स यूज करने पड़ते हैं, कीटनाशक यूज करना पड़ता है. इसका जवाब नेचुरल फार्मिंग में है क्योंकि नेचुरल फार्मिंग में इनपुट कॉस्ट कम है, नेचुरल फार्मिंग में जो डिसीज है वो कम है, और नेचुरल फार्मिंग के कारण हमारी जो जमीन है उसका स्तर भी बढ़ता है और जलवायु परिवर्तन का कम से कम असर
यह नेचुरल फार्मिंग के कारण हमारी खेती किसानी पर होता है। इसी के मद्देनजर फार्मिंग को नेचुरल फार्मिंग की ओर ले जाने के लिए 1 करोड़ किसानों का जो टारगेट रखा गया है, मैं ऐसा मानता हूं कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण इस प्रकार की यह पहल है। इससे किसानों की इनपुट कॉस्ट कम होगी, किसानों की जो रियलाइजेशन है वो ज्यादा बढ़ेगा और विशेष रूप से खेती में जो सस्टेनेबिलिटी है वो हम ला पाएंगे। एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस किया गया है, आपको लगता है ये जो बजट है इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को अलग लेवल पे लेके जाएगा? जी देखिए, मूल रूप से जिस प्रकार से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, एक समय हम मोबाइल फोन के नेट इम्पोर्टर थे, अब दुनिया के सेकंड नंबर के सबसे बड़े मोबाइल फोन के उत्पादक और निर्यातक हम हो रहे हैं। तो इस निर्यात के कारण हमारे यहाँ रोजगारी भी बढ़ती है और इसके कारण हम फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न करते हैं। आज हम देखते हैं कि हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये 605 बिलियन डॉलर के भी ऊपर चला गया है और इसलिए मैं मानता हूं कि इस बजट ने जिस प्रकार से एक्सपोर्ट के ऊपर एक प्रकार से उसको बल दिया है, नया भारत जो है ये ग्लोबल सप्लाई चेन का एक भाग बन रहा है और इसके कारण हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ा रहे हैं और विशेष रूप से चीन ने जो एक फैक्ट्री ऑफ वर्ल्ड ये मादा हासिल किया था, धीरे धीरे उसकी ओर भारत को हम बढ़ा रहे हैं। इसके पहले होता था कि कोई भी सरकार को तत्कालिक गेन के बारे में सोचती, क्या यहां से आगे यही माना जाए कि कोई बजट होगा वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस को देखकर? देखिए, बजट एक साल का होता है लेकिन उसका असर सालों तक होता है, इसलिए कभी भी बजट करते समय उसको अगले 10 साल में उसका परिणाम क्या होगा इसका विचार किया जाना चाहिए। लेकिन मोदी जी बहुत आगे की सोचते हैं, भारत जब 100 साल का होगा तब किस प्रकार का भारत होना चाहिए इसको मद्देनजर रखते हुए ये बजट रखा गया। नहीं, कोणी सांगितलं तुम्हाला कमी केले आहेत म्हणून? बिल्कुल चुकीचं आहे, त्याचे फंड्स कुठेही कमी केलेले नाही, कुठेही फंड्स कमी केलेले नाहीत। काही नवीन योजना सुरू केलेल्या आहेत, त्या नवीन योजनांनाही वेगळे फंड दिलेले आहेत, त्यामुळे शिक्षण आणि आरोग्यावर कुठेही पैसा कमी न करता तो पैसा वाढवण्यात आलेला आहे। इतर वर्षांच्या तुलनेमध्ये आता जवळपास 17% डिफेन्स बजेट वाढवण्यात आले। मुळात डिफेन्स बजेट वाढण्याचं एक महत्वाचं कारण हे आहे की आता आम्ही मेक इन इंडियावर जोर दिलेला आहे। पूर्वी आपलं सगळं शस्त्रास्त्र जे होते हे आम्ही इम्पोर्ट करायचो, पण आता मोठ्या प्रमाणात आपण देशी शस्त्रास्त्र तयार करणं सुरू केलं। आपण बघितलं असेल रिपब्लिक डे परेडमध्ये देखील ज्या तोफा चालवण्यात आल्या त्याही देशी होत्या, जे अस्त्र डेमॉन्स्ट्रेट करण्यात आले तेही आपल्या देशातले होते, जवळजवळ 70% आपल्या देशातले होते। आणि म्हणून आम्ही हळूहळू शस्त्रास्त्रांच्या क्षेत्रामध्ये आम्ही ते इम्पोर्ट करायचो, ते इम्पोर्ट करणाऱ्या देशापासून आता आम्ही एक्सपोर्ट करणारा देश झालो आहोत। 30 पेक्षा जास्त देशांना आता आम्ही एक्सपोर्ट करतो। विरोधी कहते हैं कि कई इंडस्ट्री मुंबई से महाराष्ट्र से बाहर जा रही है क्योंकि कोविड वाला जो आपका एक है, कोविड को लेकर कई सारे जो घाटे में है वो फिर से आ जाएंगे वापस, और चीनी वाला जो शुगर का लगता है कि महाराष्ट्र फिर से एक बार नंबर वन हो जाएगा जो इंडस्ट्री तमाम आएंगे महाराष्ट्र में। देखिए, बाहर तो ऐसे कोई गया नहीं, एक नरेटिव तैयार किया गया है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि निश्चित रूप से महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री आएगी और विशेष रूप से चीनी के क्षेत्र में जो 2016 के पहले का 10,000 करोड़ का इनकम टैक्स चीनी मिलों पर लगा था उसको समाप्त करने का काम मोदी सरकार ने किया है और हमारे सहकारिता मंत्री अमित भाई शाह ने किया है। मैं ऐसा मानता हूं ये सबसे बड़ी पहल है, सबसे बड़ी पहल है सहकारिता के क्षेत्र में। इतनी बड़ी पहल इससे पहले कभी हुई नहीं थी। क्या पूछा था? देखिए, शेयर बाजार जो होता है ये
एक सेंटिमेंट होता है और इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट ये इस बजट से बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है और विशेष रूप से इनकम टैक्स के स्लैब में जो अंतर होता है उसके कारण एक डिस्पोजेबल इनकम ये जब सामान्य व्यक्ति के हाथ में आती है तो उसको वो खर्चा करता है, खर्चा करता है तो उससे चीजों की डिमांड बढ़ती है तो उससे इंडस्ट्री को भी एक फायदा होता है। तो इसलिए जब इस प्रकार का कोई एक बजट आता है और विशेष रूप से इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 10 लाख करोड़ का निवेश ये 32 कोर इंडस्ट्री को बूस्ट देता है, 32 कोर इंडस्ट्री इससे बूस्ट होती है तो मुझे लगता है कि इसके कारण इसका भी बहुत बड़ा फायदा होता है। सर 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 डिफेंस को इस बार 18% ज्यादा पिछले साल से दिया गया है, हिंदी में थोड़ा डिसाइड कीजिए कि जिस तरह से मेक इन इंडिया का प्रोसेस चला और ये जो मैसेज है वो पाकिस्तान में चैनल को किस तरह से आप देखने जाएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि भारत ने जो हमारा डिफेंस कैपेबिलिटी है उसमें मेक इन इंडिया में बहुत बड़ी पहल मोदी सरकार में की है और आज हम बहुत ज्यादा वाइटल हमारा जो शस्त्रास्त्र है उसको आर्म्स एंड अम्यूनिशन को भारत में तैयार कर पा रहे हैं। रिपब्लिक डे परेड में हमने देखा 70% जो हमारे शस्त्रास्त्र शोकेस किए गए थे वो मेक इन इंडिया थे और मुझे ऐसा लगता है कि अब भारत एक शस्त्र संपन्न और मजबूत देश के रूप में उभर रहा है और आज तक आर्म्स एंड अम्यूनिशन का नेट इम्पोर्टर भारत अब आर्म्स एंड अम्यूनिशन को एक्सपोर्ट भी कर रहा है, ये भी बहुत महत्व की बात है। मुझे लगता है देश को प्राथमिकता देना, देश की सुरक्षा को प्राथमिकता देना ये इसमें से हमारे सामने आता है।